ओके हाँ गुड आफ्टरनून एवरी वन टूडेजॉप लेक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑन टूडेज़ लेक्चर आज के लेक्चर के ऊपर आपको वन टू थ्री फोर ये चार शीट सॉल्व करने ओके दैट इज़ ओवरऑल असाइनमेंट है आपके लिए जो आपका आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आपके लिए आने वाला है ओके एस फार्मूला रहेगा सी फार्मूला असाइनमेंट रहेंगे दो दैट यू हैव टू बी गेट सॉल्व सो ध्यान से लेक्चर अटेंड करना आज का जिन्होंने आज के फॉर्मूले सॉल्व किए विदाउट एनी डाउट्स आई विल ऑफ टू देम बिकॉज इट है नाइस प्रैक्टिस बाय योअर साइड एंड नाइस लॉजिक डेवलपमेंट ऑल्सो बिकॉज खाली फार्मूला मालूम रहना जरूरी नहीं है लेकिन उसके पीछे लॉजिक कैसा यूज कर सकते हैं और उस लॉजिक को आप फार्मूला में कैसे इंसर्ट करते हैं दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बी सो अगर जिन्होंने प्रैक्टिस की है सो यू आर गुड गोइंग सो वी कॉन्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक और जिन्होंने प्रैक्टिस किया है उनको आज का लेक्चर भी बहुत ईजी जाएगा अदरवाइज इज़ क्विट डिफिकल्ट अगर सो अभी तक मैंने क्या किया था फॉर्मुलेस देखे थे तो काउंट काउंटे काउंट ब्लैंक काउंट ईफ ओके सो नॉर्मल अब स्टार्ट कर दें सो so यहाँ पर देखो फिर से कल का ही डेटा लेता हूँ मैं और कल के डेटा में क्या लिया मुझे मैंने कंडीशन साइट्स में लिए यानी मुझे मैंने कल का एग्जाम्पल लिया था लास्ट लेक्चर में इक्वल अगर मैं काउंट कर इफ करता हूँ क्या करता हूँ काउंट इफ काउंट कब यूज़ किया था मैंने इक्वल काउंट इफ ओके इफ जब टाइप करता हूँ रेंज एंड क्राइटेरिया पूछ रहा था रेंज में हम लोगों ने सिटी लिया था सो so, हम लोग यहाँ से सिटी सिलेक्ट करते हैं हम लोग फिर से डिफाइन नेम करते चाहिए तो कॉमा और हम लोगों ने क्राइटेरिया के लिए हम लोगों ने साइड में सेल लिया था तो so, यहाँ पे क्लिक करता और यहाँ पे मैंने मुंबई टाइप किया तो मुंबई आ रहा था तो मुंबई के कितने पब्लिक है आठ सो so, हम लोग यहाँ पे एंड हुए थे दैट इज़ काउंट इफ यानी हम लोग को टोटल सिटी काउंट करना था तो हम लोगों ने क्या डाला था इक्वल काउंट ए डाला था काउंट क्यों यूज़ नहीं किया था काउंट क्या कर रहा है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करता है और काउंट ए क्या कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल अल्फा न्यूमेरिकल सब वैल्यू काउंट कर रहे तो alpha so, यहाँ पे मैंने क्या किया ट्वेंटी ओके सो ये ओवरऑल आपका टोटल सिटी दिखा रहा है और इसमें से मुंबई कितना वो दिखाना है तो मैंने क्या क्या यूज़ किया यहाँ पे काउंट ईफ यूज़ किया ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन प्रैक्टिस को इजी होने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिफाइन नेम करके लेते हैं साय सेलेक्ट टेबल डेटा फॉर्मूला में जाता हूँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करता हूँ मैं टॉप रो दिया मैंने ओके सो मेरे हेडिंग का नाम सब जगह पर आया यू ऑन टू क्रॉस वेरीफाई यू मे सो हिंदी सिलेक्ट किया हिंदी आई नाव यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं मुझे काउंट है तो मुझे क्या करना है टोटल सिटी काउंट करना है तो टोटल सिटी काउंट करना है, तो मैंने यहाँ पे काउंट ए यूज़ किए काउंट ए टैब सो काउंट है मुझे क्या काउंट करना है सिटी काउंट करना तो मैंने सिटी टैब दबाया तो टोटल काउंट सिटीज़ कितना आ रहा है ट्वेंटी नाव जैसा मैंने सेकेंड एग्जांपल लिया कि ये सिटी में से मुंबई सिटी कितने है? वो काउंट कर रहे सो व्हाट आई यूज़ आई यूज़ इक्वल काउंट इफ क्या यूज़ किया मैंने काउंट इफ़ सो आई प्रेस टैब तो यहाँ पे दो कंडीशन आ रहा है रेंज एंड क्राइटेरिया रेंज क्या रहेगा जो आप क्राइटेरिया देंगे वो क्राइटेरिया कौन से रेंज में यानी आप मुंबई दे रहे हैं तो मुंबई कौन से रेंज में सिटी में तो रेंज आपका क्या आएगा यहाँ पे सिटी कॉमा और उसका क्राइटेरिया तो उसका क्राइटेरिया क्या है मुंबई ओके okay. सो so, मुंबई लिया मैंने और इसको क्लोज ब्रैकेट और इंटर यहाँ पे देखो हम लोग मुंबई लेने की वजह से यहाँ पे अगर मैं पुणे लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली सिक्स आ जाएगा अगर दिल्ली ले लिया तो ऑटोमेटिकली सिक्स तो आ जाएगा आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो देखो यहाँ पे एक जगह दिल्ली है अगर दूसरे जगह भी, भी मैं दिल्ली कर देता हूँ समझ लो यहाँ पर दिल्ली कर दिया तो छः का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पर सात हो रहा है अगर यहाँ पर पुणे है वो भी दिल्ली कर दिया मैंने समोल लो तो सेवन का वैल्यू एट हो रहा है सो so, दैट अपना फार्मूला क्या परफेक्टली यूज हो अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है देखो नेक्स्ट कंडीशन यानी क्या है कि मैंने सिंगल कंडीशन देखना था तब हो गया यानी समझ लो अभी आ, मुझे मुंबई का ही है तो मुंबई का लेता हूँ मुंबई कितने आठ है समझ मुझे नाइन्थ स्टैंडर्ड में कितने बच्चे लोग हैं निकालने तो मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे लोग निकालने तो मैं इक्वल जाता हूँ फिर से काउंट इफ यूज करता हूँ मैं टैब नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे निकालने तो रेंज क्या आएगा मेरा क्लास सो यूज क्लास, ओके, बिकॉज़ स्टैंडर्ड आपका ये क्लास में तो मैं क्लास यूज करता हूँ, कॉमा और क्राइटेरिया का आपका नाइन्थ तो यहाँ पे नाइन्थ लिया मैंने और एंटर यूज किया सो so, यहाँ पे क्या हो गया आपका नाइन्थ स्टैंडर्ड आ गया दैट इज इन द रें हम लोग क्या कर रहे हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में क्लिक कर दे ठीक है so, okay. so, के बच्चे लोग कितने आठ है और मुंबई में कितने हैं टोटल आठ अभी मुझे क्या चाहिए जो मुंबई में है और जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में ये टोटल बच्चे कितने वो काउंट कर सो लेट्स सी हमें क्या करता तो हूँ डेटा में हम लोग फिल्टर डाल के भी देख सकते हैं जैसे मुझे खाली मुंबई देखना है तो यहाँ पे मुंबई यूज़ करता हूँ ओके okay. तो मुंबई के कितने आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो नीचे स्टेटस बार में दिखता है टोटल काउंट है आठ अगर इसको फिल्टर को मैं फिर से फ़िल्टर को क्लियर फिल्टर करता हूँ मैं और मुझे खाली नाइन्थ स्टैंडर्ड के देखना है तो मैं बोलता हूँ नाइन्थ स्टैंडर्ड कितने हैं ओके एक प्रेस किया तो नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे लोग कितने हैं आठ ही है यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं टोटल तो आठ है अभी मुझे क्या चाहिए जो नाइन्थ में और मुंबई में यानी जो मुंबई सिटी में है और जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में तो दोनों कंडीशन के बच्चे लोग चाहिए तो ये कितने हैं टोटल फोर ही है सो आई वॉन्ट टू हैव काउंट ऑफ द स्टूडेंट हु आर इन द मुंबई एंड नाइन्थ स्टैंडर्ड यानी जो मुंबई में है और जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में उन बच्चों लोग का मुझे काउंट निकालना तो यहाँ पे देखो जब भी एक सिंगल कंडीशन था तो मैंने यूज़ किया काउंट इफ और उसमें भी रेंज एंड क्राइटेरिया दो ही था जब मल्टीपल कंडीशन वाइज मुझे काउंट करना क्या करना है जब मल्टीपल कंडीशन वाइज मुझे काउंट करना तो हम लोग यूज़ करेंगे काउंट इफ एस क्या यूज़ करेंगे काउंट इफ एस सो काउंट इफ एस कब यूज़ करते हैं जब मल्टीपल कंडीशन आते हैं देखो यहाँ पे लिखा है बाई गिवन सेट ऑफ कंडीशन एंड क्राइटेरिया और काउंटिफ कब यूज़ करेंगे नंबर विदिन अ रेंज ऑफ मीट करने यानी सिंगल रहेगा तो काउंट इफ एस का जब सेट ऑफ टू और मोर देन टू कंडीशन देना है तब सो यहाँ पे देखो मैं काउंटी फैस को टैप दबाता हूं तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है रेंज वन क्राइटेरिया वन अगर रेंज वन क्राइटेरिया वन खत्म हो जाएगा तो पूछेगा रेंज टू क्राइटेरिया टू दो खत्म हो जाएगा तो थर्ड पूछेगा फोर्थ पूछेगा सो वी कैन गिव मल्टीपल रेंज एंड क्राइटेरिया ओके सो रेंज वन एंड क्राइटेरिया अभी रेंज को क्या करता हूँ मैं पहला कौन सा है सिटी तो यहाँ पे सी आई टी वाई सिटी लेना टैप दबाता हूँ मैं कॉमा ओके ओके सिटी देन क्राइटेरिया वन आएगा क्राइटेरिया उसका क्या दिया है मैंने मुंबई तो यहाँ पे मुंबई ले लिया मैंने फिर अगेन कॉमा देता हूँ क्राइटेरिया रेंज टू पूछ रहे हैं क्राइटेरिया रेंज टू क्या है यानी पहला क्राइटेरिया मैंने डाल दिया सिटी और उसका क्राइटेरिया डाल दिया मुंबई रेंज टू में क्या है मेरा क्लास सो आई प्रेस क्लास कॉमा और उसका क्राइटेरिया क्या है नाइन्थ स्टैंडर्ड है ओके okay? सो so इसको क्लोज ब्रैकेट करता हूँ दैट इज काउंटी फेस एंटर तो यहाँ पे देखो जो मुंबई सिटी में और जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में ऐसे बच्चे लोग कितने आ गए फोर अभी समझ लीजिए मुंबई में और टेंथ स्टैंडर्ड है और इसको मैं नाइन्थ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा ए नाइन हो जाएंगे और यहाँ पे फाइव देखो एंटर करता हूँ तो यहाँ पे भी फाइव आ गया और यहाँ पे भी नाइन्थ काउंट हो गया सो वी आर काउंटिंग वॉट दो स्टूडेंट्स हु फ्रॉम मुंबई एंड इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड सो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल कंडीशन वाइज हमको हम लोग क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं समझ लो मुझे ऐसा कंडीशन देना है दोज आर फ्रॉम द सिटी पुणे इन नाइन्थ स्टैंडर्ड और जिसका मराठी सब्जेक्ट का मार्किंग एटी एन अबो है या सिक्सटी एन अबो ऐसे चाहिए क्या चाहिए जो फ्रॉम मुंबई सिटी है जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में और जिसका मार्किंग मराठी का मार्क्स ग्रेटर देन, सिक्सटी एस हम मतलब सो हम लोग क्या करते हैं फिर से देखो यहाँ पे इक्वल मैंने डाल दिया काउंटिफ काउंटिफ एस टैब क्राइटेरिया रेंज वन क्या आएगा रेंज वन आएगा सिटी कॉमा उसमें से सिटी कौन सा आएगा मुंबई कॉमा देन क्राइटेरिया रेंज टू क्या आएगा आपका क्लास क्लास कॉमा उसका क्लास कौन सा आएगा नाइन्थ स्टैंडर्ड कॉमा देन रेंज थ्री क्या आएगा मराठी का मार्क्स ग्रेटर देन ट्वेंटी सो मराठी लिया मैंने कॉमा और क्राइटेरिया थ्री क्या आएगा द मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा आपको सिक्सटी चाहिए सेवेंटी चाहिए वो सिक्सटी सेवेंटी दे सकते हैं अब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट देना एंटर सो यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है जिसका मार्क्स ग्रेटर देन सिक्सटी सो लेट्स चेक हम लोग क्या करते हैं हम लोग का जो भी आंसर है तो उसको हम लोग चेक करके लेते हैं so, सो यहाँ पे देखो मुंबई में कौन है सो so, जो मुंबई में ओके okay. जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में सो so यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और नाइन्थ स्टैंडर्ड लेता हूँ ओके सो ग्रेटर देन सिक्सटी देखो एक को ही मार्क है सेवेंटी सेवन सो डेटा में इसको क्लियर फिल्टर करता हूँ सो so, यहाँ पे देखो एक ही स्टूडेंट है जिसका मार्क सिक्सटी एंड अबो है सो यू कैन पुट मल्टीपल काइंड ऑफ कंडीशंस वेन यू वॉन्ट टू काउंट मल्टीपल्स ओके काउंटिफेज समझ में आया कि जहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे देखो बहुत सारा है नहीं? पहला रेंज वन लिया सिटी उसका क्राइटेरिया फिर रेंज टू लिया मैंने फिर उसका क्राइटेरिया फिर रेंज थ्री लिया फिर उसका क्राइटेरिया ऐसे आप मल्टीपल क्राइटेरियाज और रेंज इंसर्ट्स कर सकते हैं एज पर यूअर लॉजिक्स तो लॉजिक के हिसाब से आप उसका आंसर्स निकाल सकते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड यूअर काउंट ए सो काउंट समझ में आए यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को काउंटी फेस समझ में आया कुछ डाउट है डाउट रहेगा तो अनम्यूट करके पूछो नहीं रहेगा तो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर वंस कंटिन्यू कुछ डाउट ओके स्टार्ट विद द सम एंड हाँ हेलो एनीवन नो डाउट सर हाँ बोल

Okay. साठ यानी साठ से ज्यादा तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ओके okay? अगर मैं बोलता 60 से ज़्यादा, okay. साठ से ज्यादा तो मेरा ये आएगा, इक्वल टू साइन नहीं आएगा okay. समझ में आया क्या ओके ठीक। थिंग ओके थैंक्स और कुछ डाउट्स है कंडीशन हम लोग एन नंबर तक लेके जा सकते हैं ना अपने, November... अपने मराठी में uh, किया तो हाँ हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री मैथ जोग्राफी ऐसा लेके जा सकते हैं आई थिंक उसको नोट टू फिफ्टी फाइव तक का लॉजिक्वेंटी सेवन hmm. हाँ, का रेंज अप टू वन ट्वेंटी सेवन लॉजिक यू कैन इंसर्ट ओके यानी आप रेंज वन okay. रेंज टू रेंज थ्री okay. रेंज, रेंज, okay. रेंज, रेंज फोर ऐसा हाँ. कितना रेंज तक जा सकते हैं यू कैन गो अप टू रेंज वन ट्वेंटी ठीक है ओके okay. ठीक है ओके एनी डाउट या एनी अदर डाउट ओके आई विल स्टार्ट विद द सम सो यहाँ पे देखो इक्वल फर्स्ट लेता सम सम यानी क्या करता है आप जो भी चीज करेंगे उसको एडिशन कर देगा दैट इज कॉल्ड एज अ सम यानी आप जितना भी रेंज लेंगे उतना सम लिया मैंने सो सेम जैसा मैक्सिमम मिनिमम बताया वो इसमें भी सेम है यानी इक्वल एस यूएम सम दबाया मैंने और मल्टीपल नंबर सेलेक्ट करना हैं तो आप क्या कर सकते हैं कॉमा डाल के मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल दबा के आप सेलेक्ट करेंगे तो कॉमा ऑटोमेटिकली आएगा ठीक है सो यानी अलग अलग नंबर्स का समेशन चाहिए तो आपको रेंज देना है या अलग अलग रेंज में समेशन चाहिए यानी मुझे कौन सा सम चाहिए मराठी हिस्ट्री एंड साइंस ऐसा तीन सब्जेक्ट का समेन चाहिए तो यहाँ पे मराठी का मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ या हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मराठी टाइप करेंगे हम लोगों ने डिफाइन नेम किया है कॉमा फिर हिस्ट्री चाहिए तो मैंने हिस्ट्री दिया आ, कॉमा फिर मुझे क्या चाहिए साइंस तो यहाँ पे साइंस दे दिया टैप दबाए एंटर ये सो ये तीनों कॉलम का उसने समेशन ऐड कर दिया या मुझे कंटिन्यू सम चाहिए तो इक्वल सम सॉरी इक्वल नहीं प्रेस किया मैंने इक्वल सम ओपन ब्रैकेट और हम लोग ये पूरा सम चाहिए तो पूरा रेंज सेलेक्ट करके सम करेंगे ओके okay? या yeah, मुझे यहाँ पे हर एक का टोटल मार्क्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे इक्वल सम ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे हम लोग मार्क्स सिलेक्ट करेंगे रेंज सेलेक्ट करके एंटर तो हर एक का मार्क्स आ जाएगा सो दैट इज कॉल्ड एज अ सम सेम इसमें मुझे एवरेज निकालना रहेगा स्टूडेंट लोग का ओके okay? सो so हम लोग क्या करेंगे इक्वल एवरेज और एवरेज में फिर से मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे एवरेज आएगा एवरेज में हम लोग क्या कर सकते हैं एक्चुअली uh, उसको पॉइंट्स में रखना है कैसे रखना है दैट यू कैन डिसाइड इट टू बी ओके अभी सम के लेना शॉर्टकट है शॉर्टकट यानी क्या रहता है अगर आप कंटिन्यू uh, सेल में हैं यानी यहाँ पे मराठी है और मराठी का सेल इधर एंड हो रहा है और यहाँ पे ही है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं uh, अल्ट इक्वल यूज करना है क्या क्या सॉरी कंट्रोल इक्वल यूज़ करना है कंट्रोल देखे आप इक्वल दबाएंगे सॉरी अल्ट इक्वल दबाएंगे कीबोर्ड में जो है ना हमें लैपटॉप का कीबोर्ड में लेफ्ट वाला कीबोर्ड यूज़ करना कौन सा लेफ्ट वाला अल्ट यूज करना ओके सो अल्ट इक्वल दबाएंगे तो यहाँ पर देखो फिर इसको एंटर कर देना तो अल्ट इक्वल करेंगे तो आपको डायरेक्टली सम आ जाएगा यानी यहाँ पे देखो इक्वल सम नहीं टाइप कर रहा हूँ मैं लेकिन अल्ट इक्वल टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे सम ले लिया उसने यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे आपने अल्ट इक्वल दे दिया तो रिस्पेक्टिव सेल्स में किधर किधर नंबर रहेंगे वो ऑटोमेटिक काउंट करें यानी एक्स वन इज़ अल्फ़ाबेट लेकिन ये नंबर है तो ये नंबर का रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा सो तो आपको क्या प्रेस करना है अल्ट इक्वल प्रेस करना है अगर आपको फास्टली सम वाला फंक्शंस वर्क करना है और एंटर दबा देना आपको खाली ये कब पॉसिबल है अगर आप नियरेस्ट सेल में हैं और नियरेस्ट सेल में वो क्या करेगा नियरेस्ट सेल में जितना न्यूमेरिकल रेंज रहेगा वो सिलेक्ट करेगा यानी अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया तो इधर ये न्यूमेरिकल रेंज है तो ये सिलेक्ट कर दिया आप नीचे है तो नीचे इसके साथ न्यूमेरिकल रेंज ये वाला है तो ये सिलेक्ट करेगा सो दैट इज़ अल्ट इक्वल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट करके उसका समेशन निकालेगा एंटर सो यू मे यूज़ अल्ट मैंने सम अलग अलग तरीके से बताया मल्टीपल रेंज में सेलेक्ट कर सकते हैं दो तीन अलग अलग रेंज कॉमा डाल के सेपरेट करके सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जैसा चाहिए ना यहाँ पे जो फॉर मराठी बोला यहाँ पे तो मुझे मराठी सब्जेक्ट का समेशन चाहिए क्या चाहिए आई वॉन्ट समेशन फॉर योर मराठी सब्जेक्ट सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं सम जाता हूँ इक्वल एस यू एम सम मैंने ऑलरेडी डिफाइन नेम दिए तो मुझे रेंज सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है मराठी टाइप किया मैंने एंटर तो यहाँ पे वन टू वन सिक्स दिख रहा है यहाँ पे देखो मराठी में सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल नीचे जगह यहाँ पे भी आ रहा है आप बोलेंगे यहाँ पे कैसा दिखता है तो यहाँ पे देखो आपके आपके एक्सेल शीट में ऐसा सम काउंट और एवरेज नहीं दिखता रहेगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारा पूछता है तो इसमें देखो अगर आपने एवरेज काउंट मैक्सिमम मिनिमम ये सब ऑन रखा रहेगा तो भी दिखेगा अभी मेरे पास क्या दिख रहा है एवरेज काउंट और सम दिख रहा है सो मैंने मैक्सिमम क्लिक किया और मिनिमम भी क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों दिख रहा है सो आपके ऊपर डिपेंड है आपको जो सिलेक्शन किया उसमें से जो भी चीज़ देखना है उसको यहाँ पे ऑन करना है तो ऑन करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा ऐसा ओके सो यहाँ पे आपको नहीं दिखता रहेगा तो जस्ट राइट क्लिक एंड पुट ऑन क्योंकि हमेशा हम लोग काउंट फंक्शन मुझे फॉर्मूला नहीं डालना है लेकिन रेंज सेलेक्ट करके मुझे देखना है कितने जन है कितना सम आ रहा है कितना नहीं तो हम लोग इसको क्विकली एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ओके सो यहाँ पे सम आ गया अभी सेकेंड कंडीशन इफ़ मुझे क्या करना है जो मुंबई में है जो सिटी मुंबई में है उसका मराठी का सब्जेक्ट का समेशन चाहिए क्या चाहिए उसका मराठी का सब्जेक्ट का समेशन चाहिए सो so, यानी इधर मराठी का सब्जेक्ट का समेशन के लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके ही निकाला लेकिन मुझे अभी जो मुंबई सिटी में उनके ही स्टूडेंट का मराठी का सब्जेक्ट का सम निकालना है मुझे ओके okay. तो हम लोग क्या करेंगे इक्वल यहाँ पे सम इफ यानी अभी एक ही सिंगल ही कंडीशन है इसके लिए हम लोग सम इफ यूज़ करेंगे मल्टीपल कंडीशन जाएगा तो सम इफ एस यूज करेंगे तो सम इफ को मैं टैप दबाता दबाताऊँ ओके तो यहाँ पे देखो रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज आ रहा है सो so, जब हम लोगों ने काउंट यूज़ किया था तो काउंट में दो ही आर्ग्यूमेंट्स था रेंज एंड क्राइटेरिया अभी मैं क्या कर रहा हूँ सम कर रहा हूँ तो उसमें कंडीशन के लिए सेम रह गया खाली उसका समेसन चाहिए बोल के समरेंज बोल के एक नया आर्ग्यूमेंट ऐड हो गया तो रेंज एंड क्राइटेरिया आपने पहले ही सीखा है तो मुझे क्या चाहिए मुंबई का समेसन छे जो मुंबई में है उसके मराठी सब्जेक्ट का समेसन छे तो रेंज में मैं क्या करता हूँ मुंबई है बोल के तो मुझे सिटी सिलेक्ट करना है तो मैंने सिटी लिया ओके okay? सिटी लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कॉमा यूज़ करते हैं फिर क्राइटेरिया में मुझे क्या चाहिए मुंबई तो मैंने मुंबई सिलेक्ट किया फिर मैं कॉमा देता हूँ फिर मुझे सम रेंज सम किसका चाहिए मराठी का सब्जेक्ट सो मैं यहाँ पे मराठी और उसको मैं टैप देता हूँ क्या देता हूँ टैप सो so, सम रेंज आ गया और इसको मैं क्लोज ब्रैकेट देता हूँ और एंटर सो दैट इज़ फोर एटी टू ओके हम लोग यानी क्या किया मराठी सब्जेक्ट का समेशन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला नाउ ये हो गया सिंगल कंडीशन वाइज यानी जो मराठी में सब थे जो मुंबई में थे उसके मराठी सब्जेक्ट अभी क्या बोल रहा है जो मुंबई में और जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में उनके मराठी का सब्जेक्ट का सम चाहिए मुझे क्या है जो मुंबई में है और जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में उनके मराठी का सब्जेक्ट का समेशन चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे सम इफ़ एस सो यहाँ पे देखो इक्वल सम इफ़ एस तो यहाँ पे टैप देना अभी यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है सम रेंज क्राइटेरिया रेंज वन क्राइटेरिया वन यानी यहाँ पे पहला मुझे सम किस कौन से रेंज का निकालना है वो पूछ रहा है बाद में मुझे क्राइटेरिया का रेंज पूछ रहा है क्राइटेरिया पूछ रहा है जैसे हम लोगों ने काउंटी फेस में मल्टीपल टाइम्स हो गया ए बी वन सेवेंटी सेवेंटी टू टाइम्स रिपीट आप रेंज एंड क्राइटेरिया दे सकते हैं तो पहला मुझे क्या देना है सम रेंज सो यहाँ पे ध्यान रखना हम लोग जब समफ यूज़ किया तो सम रेंज एंड में था और रेंज एंड क्राइटेरिया पहले था तो इसके लिए कभी भी ध्यान रखना हम लोग कौन सा भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कभी भी आर्ग्यूमेंट पे ध्यान देना ओके सो आर्ग्यूमेंट क्या पूछ रहा है वो चीज़ करना है आपको तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मुझे पहला सम रेंज पूछ रहा है तो मैं पहला क्या करूँगा किसका समिशन निकालना है मराठी सब्जेक्ट का तो मराठी सेलेक्ट कर दिया मैंने कॉमा फिर मेरा क्राइटेरिया रेंज वन पूछ रहा है देखो यहाँ पे कॉमा देने के बाद ये बोल्ड हो रहा है तो कभी भी याद रखना गलती से आप क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट करते तो यहाँ पे बोल्ड क्या हो रहा है वो ध्यान देने का सो क्राइटेरिया रेंज वन क्या बोल रहे हैं सी uh, टी ओके okay, टैप दबाता हूँ मैं कॉमा उसमें से कौन सा क्राइटेरिया है मेरा सो मुंबई इज़ माई क्राइटेरिया कॉमा फिर रेंज टू यानी क्राइटेरिया रेंज टू रेंज टू क्या है मेरा क्लास सो यहाँ पे मैंने कह दिया क्लास सिलेक्ट किया फिर इसको टैप दबाता हूँ मैं कॉमा और उसका क्राइटेरिया टू क्या है मेरा अगेन नाइन्थ स्टैंडर्ड तो यहाँ पे मैंने नाइन्थ सेलेक्ट कर दिया सो so, यहाँ पे देखो मैं क्लोज़ ब्रैकेट करता हूँ और यहाँ पे एंटर कर दिया सो इट शोज मी टू वन फोर ओके यानी जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में और जो मुंबई में इनके स्टूडेंट का मराठी का सब्जेक्ट का अगर सम देखता हो तो कितना आ रहा है दो सौ चौदह तो वी विल सीट अकेन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट करता हूँ देन आई विल गो फॉर द मुंबई फर्स्ट ओके सो मुंबई सब्जेक्ट का सम निकालते हैं तो कितना आया देखो फोर एटी टू इधर भी देखो ये रेंज सेलेक्ट किया तो ये फोर एटी टू आया ये फोर एटी टू अभी जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में उनका मराठी का सब्जेक्ट टू वन फोर बोल रहा है तो लेट्स सी क्लास कौन सा है मेरा सिलेक्ट करता हूँ और नाइन्थ स्टैंडर्ड बोलता हूँ ओके चाहे सिलेक्ट करता हूँ तो, तो ये कितना दिखा रहा है टू वन फोर सो वॉट एवर कंडीशन वी हैव पुट इट गिव्स अ परफेक्ट आंसर आप बोलेंगे सर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इधर दिख रहा हो तो मैं इधर फार्मूला क्यों डालूँ फार्मूला क्यों डालना है एक्चुअली कि इट गिव्स अ आंसर फॉर योर सॉल्यूशंस यानी कल जाके इसमें नाइन्थ स्टैंडर्ड में कितने बच्चे लोग हो गए वो चेंज हो गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर भी चेंज होगा यू डोंट नीड टू गो फिल्टर देन सिलेक्ट एंड देन गिव द आंसर सो दिस इज हाउ वी कैन यूज सम तो यानी आपको सिंगल कंडीशन देना है तो सम मल्टीपल कंडीशन वाइज आपको चाहिए तो सम इफ एस ठीक है कुछ डाउट पूछना है किसी को सम समीफेस, समीफेस।, सम, समीफेस, समीफेस। yeah. समीफ में हम लोग मराठी क्राइटेरिया बाद में लेते हैं और समीफेस में पहले लेते हैं hmm. तो अगर वो बाद में लेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या कैसा तो यहाँ पे देखो आप रेंज बोल रहे क्राइटेरिया बोल रहे और सम रेंज बोल रहे हैं अभी रेंज देते समय आपने मराठी सेलेक्ट किया तो रेंज मराठी का जो सम था वो क्या हो जाएगा आपका रेंज बोल के एक्ट हो जाएगा तो यूज़ द रिवर्स सिग्नल ना यहाँ पे रेंज देना है आपके क्राइटेरिया का रेंज देना है और आपने इधर मराठी लिया यानी मराठी का रेंज लिया और उसका क्राइटेरिया लिख के दिया मुंबई तो मराठी के रेंज में मुंबई रहेगा क्या नहीं जीरो बताएगा और समरेज में आपने सिटी सेलेक्ट किया तो समरेज में वैल्यू ही नहीं है तो उसको आंसर ही नहीं देगा वो सो यू हैव टू गो विद आर्ग्यूमेंट्स ओनली यू कैन नॉट स्विच यूर आर्ग्यूमेंट ओके इट इज डिफॉल्ट एक्चुअली यू मैंडेटरी यू हैव टू फॉलो ऑल दिस देर इज नो एक्सक्यूज ओके एनी अदर डाउट

नंबर समझ लो मराठी सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है तो मराठी लिया मैंने एंटर एवरेज आने ओवरऑल बीस स्टूडेंट है तो अलग अलग मार्क्स में एवरेज मार्क्स देखता हूँ तो सिक्सटी पॉइंट एट मार्क्स मिला अगर मुंबई सिटी में एवरेज कितने मार्क्स मिला है स्टूडेंट को देखना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एवरेज ईफ लेता हूँ टैब दबा दिया मैंने रेंज पूछ रहे हैं तो रेंज फिर से मैंने क्या लिया क्राइटेरिया का रेंज रहेगा तो मैंने यहाँ पर सिटी लिया मैंने कामा कौन सा सिटी देना है मुंबई तो यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट किया मैंने कामा फिर एवरेज रेंज देना है मुझे सो दैट इज एवरेज रेंज किसका एवरेज निकालना है मुझे मराठी तो यहाँ पे मैंने मराठी स्टैप दिया और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट एंटर सो यहाँ पे जो मराठी मुंबई में है जो मराठी स्टूडेंट है मुंबई में मराठी स्टूडेंट स्टूडेंट को मराठी में एवरेजली सिक्सटी पॉइंट ट्वेंटी फाइव मार्क्स मिला है. इक्वल देन मैं एवरेज इफ लेता हूँ मैं इफ़ एस अगेन यहाँ पे देखो एवरेज रेंज पहले पूछ रहा है सो तो यहाँ पे पहला मैं एवरेज रेंज यानी किसका एवरेज निकालना है मराठी कॉमा देन रेंज वन पूछ रहा है तो रेंज वन क्या है मेरा पहला रेंज है सी टी कॉमा और क्राइटेरिया वन क्या है आपका मुंबई ओके देन रेंज टू का है नाइन्थ स्टैंडर्ड है तो नाइन्थ स्टैंडर्ड किस में आ रहा है क्लास में तो अगेन मेरा रेंज टू आया क्लास टैब और उसका क्राइटेरिया है आपका नाइन्थ स्टैंडर्ड तो यहाँ पर नाइन्थ ले लिया मैंने और यहाँ पर एंटर फेस करता तो, तो दैट इज़ फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव यानी क्या हो गया ये एवरेज बता रहा है एवरेज यानी फिर से मैं आपको डेटा में फिल्टर करके क्रॉस वेरीफाई करके बताता हूँ मैं सो यहाँ पर देखो मुंबई में ले लिया ओके सो मुंबई में कितने हैं टोटल सिक्सटी पॉइंट ट्वेंटी फाइव बोल रहे तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं तो एवरेज देखो कितना आ रहा है सिक्सटी पॉइंट ट्वेंटी फाइव अगर मैं मुंबई में मराठी नाइन्थ स्टैंडर्ड में कितना है फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव सो यहाँ पर मैं बोलता हूँ सिलेक्ट करता हूँ और नाइन्थ स्टैंडर्ड लेता हूँ मैं ओके सो इट शोज एज एवरेज ऑफ फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव सो डेटा में जाके उसको क्लियर फिल्टर करता हूँ मैं ओके सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एवरेज एंड एवरेज इफ एस सो सेम फंडामेंटल है खाली सम में आपको समेशन निकालेगा और एवरेज में आपको एवरेज निकालेगा एक्चुअली सो एनी डाउट कुछ डाउट कुछ डाउट किसी को डाउट नहीं रहेगा तो कमेंट बॉक्स में नो डाल देना डाउट रहेगा तो पूछ लो सर थैंक यू मनन Uh, आज का टॉपिक यहाँ पे सीखा के ख़त्म हो रहा है आई कैन नॉट स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करना है और यस कंटिन्यू प्रैक्टिस ही करना है अगर इस रेंज में कुछ डाउट्स आ रहा है तो आपको पूछना है इसमें डाउट आएगा लेकिन लेट्स इसमें कुछ कुछ कंडीशंस अलग है उतना एक्सप्लेन करता हूँ देखो यहाँ पे समेशन निकालना तो है आपको तो यहां पे बोल सम ऑफ द ऑल द फूड्स दैट एंड विथ ईस क्या बोल रहा है एंड विथ ईस तो क्या निकालना है सम ऑफ ऑल फूड्स निकालना है तो ये सबका सम निकालना है सो so, इक्वल में क्या करता हूँ सम ऑफ ऑल फूड्स तो सम इफ यूज करता हूँ सिंगल कंडीशन है तो सम रेंज और क्राइटेरिया तो फूड्स दैट एंड विथ ईस सो रेंज है मेरा फूड कॉमा अभी एंड विथ ईयर्स आता है तो क्राइटेरिया में देखो आपको डबल इन्वर्टेड कोमो में पहला स्टार डालना हाँ एंड विथ ईयर्स बोलते हो तो स्टार डाल के ईयर्स डालो एंड स्टार यानी क्या होता है इनिशियल टेक्स्ट आ जाता है एंड ईयर्स आर द एंडिंग टेक्स्ट आता है अगर स्टार्ट विथ बोला रहेगा तो स्टार्ट विथ ए बोला रहेगा तो ए और स्टार डाल देंगे और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करो कॉमा और क्या बोला है सम ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल फ्रूड्स तो यहाँ पे सम ऑफ द हॉल सेल्स ऑफ फूड्स ओके एंटर करेंगे तो दैट इज़ फोर थ्री डबल ज़ीरो आ जाएगा सो ये कंडीशन क्या करेगा आपका एंड विथ ईर्स रहेगा तो इनकेस uh, ऑफ ऐसा बोलते हैं कि काउंट द फ्रूट हु आर स्टार्टिंग विथ सी ओके सी से स्टार्ट होने वाले कितने फ्रूट्स है काउंट करो तो मैं क्या करता यहाँ पे इक्वल काउंटिफ बोल देता हूँ मैं टैब रेंज सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से कॉमा और क्राइटेरिया स्टार्ट विथ बोला था मैंने तो स्टार्ट विथ सी तो यहाँ पे सी डाल के मैं स्टार यूज करूँगा स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन सिंबल है नथिंग एंटर देता हो तो दैट इज़ टू तो स्टार्ट विथ अगर पूछा रहेगा तो आपको क्या करना है स्टार्ट से जो पूछा वो डालना है बाद में स्टार डालना है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों डाला मैंने इनिशियली बताया आपको जो भी आप टेक्स्ट या कुछ भी डालेंगे दैट हैज़ टू बी इन अ डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर नंबर डालते फिगर डालते यू कैन पुट इट डायरेक्टली ओके सो ये थोड़ा सा अलग था आप कर सकते हैं जो अलग लगेगा वो बता देता हूँ मैं योग यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ टग सोल्ड बिगिन विथ ए ए एंड देट इज़ सोल्ड बाय द सेल्स पर्सन वन ये एक्चुअली तो एड्स ऑफ टोटल नंबर है सो यहाँ पर टोटल नंबर का एड्स आएगा सेम यूज़ कर सकते हैं दैर इज़ नोश ओके ये आप पूरा कर सकते हैं जितना सिखाया उसमें से सब यहाँ पे सम है बाद में सम इफ़ और बाद में इफ़ एस मल्टीपल कंडीशन है असाइनमेंट में कुछ अलग रहेगा तो बता दो यहाँ पे देखो असाइनमेंट सॉल्व करते समय यहाँ पे टोटल निकालना है यहाँ पे एवरेज मार्क्स निकालना है सबका और यहाँ पे रैंक निकालना है पहला कौन आ रहा है सो यहाँ पे ये बाकी सेल में कुछ नहीं निकालना है यहाँ पे फिफ्थ मैक्सिमम निकालना है खाली और सिक्सथ मैक्सिमम निकालना है देन यहाँ पे कंडीशन है देखो अलग अलग कंडीशन में क्या बोल रहा है देखो इसमें से कौन सा एक और दूसरा में बताओ देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम दिल्ली इन नाइन्थ स्टैंडर्ड एंड स्कोर मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट जैसा पहला कंडीशन दिया वैसे ही मैंने ये कंडीशन आपको बताया जिसपे मैंने खाली मराठी लिया था जो ग्रेटर देन सिक्सटी लिया था वही यहाँ पे आपको ग्रेटर देन सेवेंटी फाइव फॉर द एवरेज लेना है आप एवरेज निकालने के बाद वो सेल सिलेक्ट करके एवरेज निकाल सकते हैं हाँ एक चीज़ ध्यान देना अगर आप यहाँ पे ये ये असाइनमेंट करते समय आपने उसको डिफाइन नेम किया रहेगा तो और यहाँ पे आप ये असाइनमेंट करते समय डिफाइन नेम तो दोनों का सेम ही है तो पहले वाला डिलीट करके यूज़ करो नहीं तो ध्यान देना ये वन बोल के क्रिएट होएगा एडिशनल यानी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इधर सिलेक्ट करता हूँ मैं Uh, यहाँ पे मैंने दिया है क्या डिफाइन नेम यहाँ पे नहीं दिए है सो so, यहाँ पे आप ओ वाला डिफाइन नेम डिलीट कर दो और यहाँ पे नया क्रिएट कर दो फिर से तो यू कैन सॉल्व दिस चीट विद डेट एंड ग्रेटर देन सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव ठीक है यहाँ पर कौन सा भी आंसर सबको विदाउट फॉर्मूला नहीं निकालना है डायरेक्ट आंसर टाइप नहीं करना है ओके सो यहाँ पे भी डेटा दिया हुआ है उसके ऊपर से आंसर निकालना है

Night. Anyone to ask any doubt?